बाबा जी सियालकोट। अल चल खाला रोटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज के साथ खुश व खरम जिंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूं ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। तो करते हैं जी आज के व्लॉग का आगाज़, और इनफैक्ट सुबह का आगाज़ करते हैं क्योंकि मेरी सुबह ही हुई है और सुबह नमाज टाइम उठा था, नमाज़ पढ़ के फिर मैं दोबारा सो गया था। तो एक्चुअली तो सुबह अभी हुई है और 9:15 हो गए सुबह के। तो अभी सुबह का आगाज़ हम, मैं रात सोच कर सोया था कि आज सुबह का आगाज़ जो है वो एक नेक काम के साथ करते हैं। एक माँ को खाना डालते हैं, तो वो माँ कौन सी है और उसको खाना किस तरह से डालना है और क्या करना है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे साथ चलिए। और ये रोटी मैंने ले ली है, ये मेरे हाथ में है रोटी, और अब दुआ करें कि वो अपनी जगह पर अपने ठिकाने पर हो गए। असल में मैं आपको भी डिटेल बता देता हूँ, हुआ क्या, चले जब तक हमने वहाँ पहुँच रहे हैं तब तक मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। हुआ ये कि यहाँ पर ना सड़क के ऊपर एक कुत्ती ने बच्चे दिए हुए हैं। तो अब हुआ ये कि मैं डेली वॉक करने के लिए निकलता हूँ और फिर साथ में मैंने कैमरा भी उठाया हुआ होता है, शूट कर रहा होता हूँ। तो अब ये 2-3 दिन पहले मैं वहाँ वॉक करने के लिए निकला तो वो रास्ते में थी और वो ना उस मुझ पर भौंकना स्टार्ट कर दिया और मुझ पर हमला कर दिया। तो मैंने ये किया कि उसको डराने के लिए उसको पत्थर छत्र मारे। खैर उसको लगा तो कोई नहीं, लेकिन यह है कि वो डर कर भाग गई। तो पहले दिन मेरे साथ ऐसा हुआ, तो वापस आया और मैं बड़ा ना, मतलब वो मुझे अजीब सी कैफियत थी मेरी, अजीब सी मेरी फीलिंग्स हो रही थी कि यार मैंने उसको मारा, जो भी है बरल वो है तो एक माँ ना। तो मैंने उसको डराया, उसे उसकी जगह से मैंने दूर भगाया, तो मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही थी। तो फिर मैंने कल ये हुआ कि कल मैं जब जा रहा था और सिटी जा रहा था, तो रास्ते में जाते हुए मेरे उस पर नज़र पड़ी, तो वो साइड पर बैठी हुई बड़ी, वो ना जैसे कहते हैं कि वो बड़ी भूखी और डरी हुई खाली पेट। तो खैर मैं वापस घर पे आया, घर से रोटी लेकर गया और उसको रोटी डाली, तो वो ना बड़ा भाग कर उसने वो रोटी पर टूट पड़ी और उसने रोटी उठा कर खाई। तो मुझे वो बड़ा ना अच्छी फीलिंग आई, गुड वाइब्स आई। बाबा जी सियालकोट। और यहाँ पर मैं ढूंढ रहा हूँ उस एक माँ को, तो पता नहीं कहाँ है यार, वो मुझे नज़र ही नहीं आ रही यहाँ पे। उसने अपना ठिकाना चेंज ना कर लिया हो, जगह ना बदल ली हो, कहीं और ना चली गई हो, क्योंकि यहाँ पर वो एक रास्ता है ना लोगों का आने जाने का, तो जाहिर है फिर आते जाते लोग उसको पत्थर मारते होंगे, ये उन पर भौंकती होगी और लोग फिर उसे पत्थर मारते होंगे। पता नहीं कहाँ गई वो, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। वापस आ गया हूँ, वापस जाते हुए भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर भी नहीं है। रोटी मैंने हाथ में पकड़ी हुई है और साथ में ये मेरा कैमरा था, इसकी बैटरी डाउन हो गई है, बंद हो गया, इसने शूटिंग बंद करी थी, मैं अभी मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। कैमरा बंद हो गया, बैटरी डाउन हो गई है, लेकिन जिस काम के लिए आए थे वो नहीं हो रहा। पता नहीं कहाँ पर है फिजान, फिजान से पूछता। फिजान यार इतने कुत्ती सोई सी किथे गई, इतने कुत्ती सोई सी किधर गई, रोटी लेके आया ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਾ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਔਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਲੰਘਦੇ ਵੜਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ 2 ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭੌਂਕੀ, ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭੌਂਕੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਅਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਣੇ। ਚਲੇ ਜੀ, ਅਬ ਮੈਂ ਆਇਆ ਥਾ ਯਹਾਂ ਪਰ ਉਸਕੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਲੇਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਵੋ ਤੋ ਅਭੀ ਮੁਝੇ ਜਿਸਨੇ ਬਤਾਇਆ ਆਫਤਾਬ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿ ਵੋ ਤੋ ਕਿਸੀ ਕੀ ਮਲਕੀਅਤ ਥੀ, ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਆਵਾਰਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਥਾ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲੀਏ, ਚੱਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਗਿਆ, ਭੱਜ 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 ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ। ਖੋਲੇ 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 ਖੋਲੇ
खोल ले शाबाश, खोल ले दोबारा। हाँ हाँ, फिर 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 अंदर, इधर से आना, इधर से आना, खोल कुंडा खोल पहले। अब बेचारे को नहीं पहुंचूंगा, अब अपने घर में खोल रहा। चल बाहर खड़ा हो, बाहर चल, पर बाहर चल, बाहर चल, बाहर बाहर चला जा, बाहर आजा मेरा पोता, आजा। डर पड़ा हुआ है, पता नहीं मुझे साथ लेके जाता है कि नहीं। चाचू आ मेरा बिल्ला, आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, और आगे हो जाओ। चलो जी शाबाश, चलिए। किथे जाना है? बाबा दे, चला गया बाबा, दूर चला गया दूर। बाबा को चलिए, बाबा तो चला गया दूर, ओ दूर। आप काम से चल रहे हैं, चीज लेने वापस आए हैं, ठीक है, ठीक है, चीज लेनी काम तो है। अरे हाँ, आधी काम से बांधा, दूसरी काम से चलिए। चलो आप दूसरी काम से चलते हैं, चीज लेके फिर काम चल के मैं चल जाना, ठीक है भैया। पैसे आ गए तेरे कोल के नहीं? पैसे आ गए तो की गल ना लैनी है, पैसे तो है नहीं तेरे कोल, की गल ना लैनी है, बोलना नहीं। हां भाई की हाल चाल है? हां आओ, बनदा ब्याह नाल, आओ चलना ब्याह वा, चल चल पट पट पट। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਬੱਚੇ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਅਦੇ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਚੱਲ ਭੱਜ। ਕੀ ਲੈਣਾ? ਕੀ ਆ ਲੈਣਾ? ਕੋਕੋਮੋ ਨਹੀਂ ਪੋਤਾ, ਅਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਆ ਲੋਲੀਪੋਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਯਾਰ, ਲੋਲੀਪੋਪ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਹੈਗੀ ਲੋਲੀਪੋਪ? ਆਹਾ ਮਜ਼ੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਹੈਪੀ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹ? चलो जी, दरवाजा बंद कर दे, दरवाजा बंद कर दे। हम फिर रोन लग गया, बेचारी किन्नी भुखी है।
और इसके बाद मैं सिटी चला गया था शहर, और फिर सारा दिन जो है वो शहर की रूटीन, अपनी शॉप की रूटीन, जो कि मैंने अक्सर बेशतर आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, इसलिए फिर मैंने वो ना व्लॉग में ऐड नहीं किया। तो और ये वाला व्लॉग जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, ये मैंने दो दिन लगा के शूट किया है। दो दिन मतलब मैं शूटिंग करता रहा, दोनों दिन ही व्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ, और फिर मैंने जो है वो इन दोनों को मिलाकर एक व्लॉग बना दिया, और अब मैं उसी व्लॉग को एंड करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ कोशिश कर रहा हूँ डेली बेसिस पर व्लॉगिंग लाजमी शेयर किया करूँ, कम अज़ कम एक आध व्लॉग लाजमी शेयर हो जाए। तो खैर, जुड़े रहिए मेरे साथ, और इसके साथ इसके लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।